वर्ल्ड मैप के बारे में बताऊंगा। विदाउट वर्ल्ड मैप के या फिर इंडिया मैप का ज्योग्राफी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ने से पहले वर्ल्ड मैप या फिर इंडिया का मैप, जो जितने सारे मैप हैं, मैप के अनुसार पढ़ना अच्छे तरीके से होता है। बिना मैप को देखे, बिना बिना एटलस के देखे, बिना पढ़ाई इमेज बना के पढ़ना सही होता है। बिना इमेज बना कर पढ़ पाएंगे तब तक क्लियरिटी क्लियर नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में मैं वर्ल्ड को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहले मैं डिवाइड करूँगा कि इसमें अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट हैं, है ना। जैसे हमारा कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारा फिर एशिया कॉन्टिनेंट, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट। उसके बाद हमारा फिर एशिया के बाद बात करें तो एशिया हो गया, है ना, यूरोप हो गया, यूरोप हो गया। उसके बाद यहाँ अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया। नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें। उसके बाद बात करें तो हमारा ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में एक तो बात करें हम अंटार्कटिका, बात करें हम अंटार्कटिका। हमारे 7 कंटिनेंट हैं, ये हमारे 7 कंटिनेंट हैं जो इनको हम मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे एशिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कंटिनेंट। तो एशिया कंटिनेंट में बात करें तो सबसे पहले एशिया लेंगे। तो एशिया किस तरह से डिवाइड करेंगे? एशिया को डिवाइड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एशिया कंटिनेंट। ये हमारा एशिया हुआ। एशिया कंटिनेंट में ये डिवाइड जो पार्ट दिख रहा है हमारा, ये रूस है। रूस का जो कैपिटल है, ये मॉस्को आती है, मॉस्को दिख रही है, ये मॉस्को आती है हमारा यूरोप में। बट रशिया की 70% भाग हमारे एशिया में आती है और 30% भाग हमारे यूरोप में आती है। तो ये बीच में यहाँ पे पड़ती है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत है जो जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूरोप जो है, यूरोप और एशिया डिवाइड होते हैं यूराल पर्वत के थ्रू, ठीक है। ये बात करें तो ये हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा एशिया, ये जो बात है हमारा, इतना जो पार्ट हमारा है, हमारा एशिया, हमारा एशिया, ये एशिया, ये रहा, ये हमारा एशिया पार्ट, ये हमारा सारे का एशिया पार्ट हुआ, हमारा सारे एशिया का पार्ट हुआ। एशिया के बाद बात करें हम तो एशिया में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एशिया को डिवाइड करेंगे। एशिया को पहले डिवाइड करेंगे, तो एशिया को डिवाइड करेंगे हम ऐसे, बात करें तो नॉर्थ नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ठीक है। और बाकी रहे तो फिर ये हमारा वेस्ट एशिया, वेस्ट में हमारा इधर का, और हमारे मिडिल एशिया में आती है, हमारे मिडिल एशिया में, मिडिल एशिया। फर्स्ट ऑफ पहले हम बात करता हूँ मैं साउथ की। साउथ की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ की, जैसे मुझे बात करनी है सार्क, सार्क कंट्री की, तो सार्क कंट्री कैसे मैं बात करूँ, मुझे सार्क कंट्री कैसे होगा। तो बट मैं मैप को थोड़ा सा पढ़ा हूँ तो मैप और दिमाग में, माइंड में अच्छे से क्लिक कर जाती है। जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे सार्क में कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है, सार्क हमारे कौन कौन से कंट्री आते हैं, ओके मैं देख लेता हूँ। सार्क में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ सार्क का फुल फॉर्म, ये हमारा सार्क हुआ, SARC, सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन, ये हमारे सार्क। सार्क में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं तो फर्स्ट में सार्क का जो आता है वो हमारा आता है मालदीव, हमारा आता है मालदीव, पहला कंट्री मालदीव। दूसरी आती है श्रीलंका, तीसरी इंडिया, चौथी पाकिस्तान, पांचवें अफगानिस्तान, छठे पे नेपाल, सातवें में भूटान, और आठवें में आता है हमारा बांग्लादेश, हमारा बांग्लादेश। तो हमारे 8 कंट्री हैं जो हमारा सार्क में आते हैं,
साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हमारे 8 कंट्री हैं। 8 कंट्री हैं जो हमारे सार्क कंट्री में आते हैं। बात करते हैं तो आपसे भी बात करता हूँ। हमारा पहले मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, हमारे 8 कंट्री हैं जो आते हैं। इस जो 8 कंट्री हैं ये हमारे आते हैं सार्क कंट्री में, 8 देश हैं। अब इस तरह से बात करें तो सार्क हमारे कोई भूलने हुई बात नहीं है, सार्क हमारे आते हैं। इसके बाद बात करें हम आसियान कंट्री, इसके बाद हम बात करें आसियान कंट्री, आसियान कंट्री की बात करें तो आसियान कंट्री हमारे 10 देश आते हैं। हमारे आसियान में आते हैं 10 देश। अब 10 देश में कौन कौन से आते हैं आसियान, आसियान की बात करें।